इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब है कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को आप पास पास रखोगे, दोनों का मैग्नेट्यूड बराबर होगा लेकिन नेचर अपोजिट होगी, तो वो जो सिस्टम बनेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। जैसे मान लो कि आपने एक नेगेटिव चार्ज लिया माइनस क्यू, और इसी के पास में आपने क्या किया, आपने दूसरा चार्ज लिया प्लस क्यू, उसको रख दिया। अब दोनों चार्ज बराबर मैग्नेट्यूड के होने चाहिए लेकिन इनका नेचर क्या होना चाहिए, एक दूसरे के अपोजिट। तो ये जो सिस्टम बनेगा, इस सिस्टम का भी एक नाम होता है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। HCl मॉलिक्यूल की अगर बात करोगे तो HCl मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने की वजह से क्या हुआ, हाइड्रोजन पे प्लस ई चार्ज है, क्लोरीन पे माइनस ई चार्ज है। ई मतलब चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, तो दोनों पे चार्ज तो बराबर है लेकिन दोनों पे देखो, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव चार्ज है, और इन दोनों एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी काफी कम है। तो ये एक सिस्टम बन गया है और इसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल।